नमस्कार, आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज़। मैं हूं आकाश, आपके साथ पेश है आज की मुख्य खबरें। महागठबंधन ने 40 लोकसभा सीट के उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। कांग्रेस को 9 सीट, लेफ्ट को 5 सीट दिया गया है। राजद ने 26 सीट अपने पास रखा है। हाजीपुर सीट भी राजद के कोटे में है। यह सीट पशुपति पारस को ऑफर किया जा सकता है। राजद के सीट में वीआईपी की भी हिस्सेदारी हो सकती है। सुनीता केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी का एक अभियान शुरू किया। केजरीवाल को आशीर्वाद नाम से यह व्हाट्सएप अभियान चलेगा। दूसरे चरण में पूर्णिया लोकसभा सीट भी आता है। किशनगंज, कटिहार, भागलपुर और बांका भी इसी चुनावी चरण में आते हैं। पप्पू यादव पूर्णिया से अवश्य चुनाव लड़ेंगे। राजद ने अपने हिस्से के 3 लोकसभा क्षेत्र के उम्मीदवार पहले से घोषित कर दिए हैं। ये क्षेत्र है औरंगाबाद, नवादा और जमुई। इन क्षेत्रों में राजद के उम्मीदवारों ने पर्चा भी भर दिया है। बक्सर, जहानाबाद, पाटलिपुत्र, मुंगेर, बांका, वाल्मीकि नगर, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, वैशाली, सारण, सिवान, गोपालगंज, उजियारपुर, दरभंगा, मधुबनी, झंझारपुर, सुपौल, मधेपुरा, पूर्णिया, अररिया और हाजीपुर से आरजेडी लड़ेगी। इन पर उम्मीदवारों की घोषणा हो रही है। सिवान सीट से अभी तक राजद का कोई उम्मीदवार तय नहीं है। दिल्ली चुनाव अभियान को आम आदमी पार्टी ने आज शुरू कर दिया। सुनीता केजरीवाल के द्वारा आज आम आदमी पार्टी का एक अभियान शुरू किया गया है। केजरीवाल को आशीर्वाद नाम से व्हाट्सएप पर अभियान चलेगा। सुनीता केजरीवाल ने मतदाताओं के लिए एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया है, 8297324624 नंबर जारी किया है। अपेक्षा की जा रही है कि लोग केजरीवाल को आशीर्वाद अभियान में शामिल होंगे। आज से हम एक अभियान शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है केजरीवाल को आशीर्वाद। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपने अरविंद को आशीर्वाद भेज सकते हैं, शुभकामनाएं भेज सकते हैं, दुआएं भेज सकते हैं, प्रार्थना भेज सकते हैं, कोई और भी संदेश देना चाहे तो वो भी दे सकते हैं। दूसरे चरण में पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र भी आता है। किशनगंज, कटिहार, भागलपुर और बांका भी दूसरे चरण में आता है। दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शनिवार को एक समारोह में कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत देशरत्न सम्मान देंगे। इस मौके पर कर्पूरी ठाकुर के पुत्र रामनाथ ठाकुर और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मौजूद होंगे। अन्य खबरों में बिहार के मोतिहारी जिले के पहाड़पुर थाना क्षेत्र से एक शर्मनाक खबर आई है। एक व्यक्ति ने अपने परिवार के 5 सदस्यों को टांगी से काट दिया है। हाजीपुर सीट भी राजद के कोटा में है। इसी कोटे में से पशुपति पारस को हाजीपुर सीट ऑफर किया जा सकता है। वीआईपी की भी हिस्सेदारी हो सकती है। वीआईपी के मुकेश सहनी भी महागठबंधन से सीट चाहते हैं। अगर इनके साथ बात बन गई तो आरजेडी के कोटे से ही इन्हें सीट दिया जाएगा। सीपीआईएमएल के लिए आरा काराकाट और नालंदा सीट छोड़ा गया है। आरा से इसके उम्मीदवार राजू यादव 2019 के चुनाव में मुकाबले में थे। आरा से भाजपा के आर के सिंह चुनाव लड़ेंगे। आर के सिंह ने सामान्य मतों में ज़्यादा लोकप्रियता हासिल की है। पहले ही लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य के काराकाट से लड़ने की संभावना बताई जाती थी, परंतु रोहिणी आचार्य सरन सीट से बीजेपी के उम्मीदवार राजीव प्रताप रूडी से मुकाबले में चुनाव लड़ेंगी। कांग्रेस ज़्यादा सीट मांग रही थी और राजद उन्हें कम सीट देना चाहती थी, परंतु बीच का रास्ता निकाला और कांग्रेस को 9 सीट दिया गया। परंतु कांग्रेस को वाल्मीकि नगर, बक्सर, औरंगाबाद, नवादा और पूर्णिया सीट नहीं दिया गया। विशेष तौर पर पूर्णिया सीट पर पप्पू यादव कांग्रेस प्रतिनिधि के तौर पर चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुके थे। अपनी पार्टी को कांग्रेस में विलीन करने के बाद उन्होंने अपनी ये दावेदारी ठोकी, परंतु यहां से एक बारगी राजद ने बीमा भारती को उतार दिया। पप्पू यादव अभी तक बाहुबली पहचान से मुक्त नहीं हो पाए हैं, परंतु बीमा भारती से भी उनके बाहुबली पति की पहचान जुड़ी है। और कई जगह पर सीट पर कई दल के लोग ने अपने अपने सीट पर किसी उम्मीदवार को नहीं दिया, फिर भी गठबंधन मजबूत है। बिहार में भी इंडिया गठबंधन को मजबूत करने का निर्णय कांग्रेस का नेतृत्व का है, मैं उसका स्वागत करता हूँ।
और पूर्णिया की धरती पर कांग्रेस के झंडा को स्थापित करने का संकल्प के साथ पूर्णिया की जनता के बीच हम लोग पूरी तैयारी है हम लोगों की और मजबूती के साथ हम लोग चुनाव लड़ेंगे। और कई बार हमने ये बात को भी दोहराया कि बिहार में जो है चौंकाने वाले जो परिणाम जो है वो सामने आएंगे। आप लोग देखिए महागठबंधन में लेफ्ट पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, आरजेडी है, तीन लेफ्ट पार्टियां हैं, आरजेडी और कांग्रेस, यानी पांच दल का ये महागठबंधन है और पांचों को जो है सीट बंटवारा हो गया। दूसरी तरफ एनडीए खेमे अगर आप देखेंगे तो कई लोगों को तो जगह मिली ही नहीं, कई लोग चले गए। तो उस हिसाब से अगर आप देखें तो हम लोगों का मजबूत गठबंधन है, जनता का गठबंधन है और हम लोग मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। ये हम लोगों का विषय नहीं है। हम लोगों के पार्टी का जो गठबंधन हुआ है किसी व्यक्ति के साथ नहीं हुआ, दल के साथ। तो कांग्रेस से तो हम लोगों का बहुत पहले से ही अलायंस है और सीट बंटवारा जो है वो तो जनवरी से ही बातचीत हम लोगों की चल रही है। तो इस तरह के खबरों में बने रहने के लिए आप देखते रहे विमर्श न्यूज़। अगर आपने हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि आपको हर पल का नोटिफिकेशन मिलते रहे। तब तक के लिए साथी कैमरा पर्सन चंद्रशेखर के साथ मैं आकाश विमर्श न्यूज़ पटना के लिए धन्यवाद।